गाइस वेलकम टू माय चैनल आहारेर बाहर। वेट कौन सा चैनल? आहारेर बाहर, आपने सुना नहीं? आहारेर बाहर ये कौन सा चैनल है, क्या टॉपिक पर है ये चैनल? अरे बॉस, ये ऐसी टॉपिक पर है जिस टॉपिक को छोड़ के कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्या मतलब? अरे आप समझा नहीं, आप खाना पीना छोड़ के कभी रह सकते हैं क्या? नहीं। हाँ तो वो इसी टॉपिक पर है। आहारेर बाहर एक्चुअली ये कुकिंग चैनल है। आहारेर बाहर कुकिंग चैनल, ऐसा चैनल का नाम तो कभी सुना नहीं, देखा भी नहीं मैंने। अरे हाँ बॉस, आपको दिखाई कैसे देंगे ना, आप तो वही चैनल पे विजिट करते हैं जिसको लाखों के ऊपर सब्सक्राइबर है, व्यू भी बहुत ज्यादा है। बात तो वही हुई ना, ऑयली हेड पर ज्यादा ऑयल लगाना। ठीक है, लेकिन वो सब चैनल पे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस रहते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस रहते हैं, इसीलिए मैं वो सब वीडियोस सजेस्टेड पे डालता हूँ। हाँ बॉस वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे चैनल पर भी कभी कभी विजिट किया कीजिए। मेरे चैनल पर भी 90 से ज्यादा वीडियोस है और वो भी वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियोस। फ्रेंड टाइप ऑफ वीडियोस, जैसे कैसे टाइप के वीडियोस है आपके पास? मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियोस है खाने पीने पर, जैसे कि बहुत वैरायटी ऑफ पराठास है, डिलीशियस टेस्टी साबू का पराठे और चिकन पराठा, बहुत सारा मिठास है। आप एक बार चैनल विजिट तो करके दिखिए, मैं कितना सारा बंगाली टेस्टी जलेबी है, मीठा आलू का गुलाब जामुन है, कितना सारा बंगाली मिठाई, साउदान मिठाई, ईस्टर्न मिठाई भी बना चुकी हूँ। राइस का भी बहुत सारा प्रिपरेशन है, इतना सारा है कि आपका पेट पूरा से पूरा भर जाएगा। और नॉन वेज का तो बात ही मत कीजिए, इतना सारा नॉन वेज खाने वाला लोगों के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं कि देखते ही मुंह से लाल टपकेगा। इसके ऊपर है नॉन वेज है, ऑयली भी है, नॉन ऑयली भी है और सूप भी है। स्नैक्स मैंने ऐसा बनाए हैं जो कोई इंसान डाइट करे तो वो फॉलो करे तो उसका एकदम रिजल्ट 100% गारंटेड। यहाँ बहुत सारा रेसिपी कंटेंट है आप सबके लिए। और अभी विंटर का सीजन चल रहा है, घर में बच्चे बड़े बूढ़े सब केक खाने का एकदम पागल है, तो मेरे चैनल पे बहुत सारा केक का भी रेसिपी है और वो सब केक कैसे बनाए वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा के उन लोगों को पेश किया है। यहाँ 3 फ्लेवर के केक कैसे बनाते हैं वो दिखाया है। क्योंकि मैं एक होम ट्यूटर हूँ तो सिखाना मेरा आदत है, तो मैं इतना सारा वीडियो इतना अच्छे से सबके पास परोसती हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है सर। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन उन लोगों के वीडियोस में तो बहुत ज्यादा व्यूज रहते हैं, सब्सक्राइबर भी ज्यादा रहते हैं, तो वो सब वीडियोस मेरे नजर में बहुत फटक से पड़ जाता है। हाँ सर वो बात तो ठीक है, लेकिन सोचिए आप अगर पिता होते तो, और आपका कोई बच्चा कमजोर होते तो आप उस पे भी तो नजर अच्छी तरह से डालते ना। ऐसे ही बात हुई, हम लोग एकदम कमजोर यूट्यूबर है तो आपकी नजर हम पे ज्यादा रहना चाहिए। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन इस लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों ने अपना चैनल खोल लिया, कुकिंग चैनल, क्रिएटिव चैनल, तो मुझको भी तो टाइम चाहिए ना, सब लोगों का चैनल चेक करने में रिव्यू करना पड़ता है कि क्या कौन क्या कर रहा है, गाइडलाइन चेक करना पड़ता है, तो मुझको भी तो टाइम चाहिए ना। सर मैं चैनल बनाने के लिए मेहनत करती हूँ, आप थोड़ा विजिट करने के लिए मेहनत करिए, बात तो वही एक ही होगी ना। और मैंने लोगों से सुना है जो यूट्यूबर है उन लोग कहते हैं कि वीडियोस में अगर रेगुलरिटी आ जाए तो यूट्यूब का नजर में झटक से आ जाता है। मैं तो बहुत दिन पहले से ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मेरा वीडियोस में रेगुलरिटी एकदम 100% है, आप चेक भी कर सकते हैं। हाँ मुझे सब पता है, वो मेरा नजर भी कमजोर यूट्यूबर पर रहता है क्योंकि उन लोगों को भी तो सपोर्ट चाहिए, ये मुझे पता है। और वो बात बहुत दिनों से आप अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों का 1 ईयर में मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं भी होता है, 4-5 साल लग जाते हैं उन लोगों को मोनेटाइज होने में, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। हाँ बॉस पेशेंस तो मैं रख ही रही हूँ, मगर पेशेंस रखते रखते अगर सर पे बाल नहीं रहेंगे, मुंह में दांत नहीं रहेंगे तो मैं खाक यूट्यूबर बनूंगी। रुकिए रुकिए, वैसा नहीं होगा,
ठीक टाइम पे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपका कोशिश अगर लॉयल है और आप ऑनेस्टली कर रहे हैं तो वो जरूर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओ अच्छा, तो आप इसी बात का एश्योरेंस दे रहे हो ना? हाँ हाँ जरूर होगा, कोई वरी करने की बात नहीं है, आप ऑनेस्टली अगर ट्राई करो तो जरूर होगा। अगर आप ऑनेस्टली ट्राई कर रहे हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। ओ तो आप एश्योरेंस दे रहे हैं। ये तो बंधुरा আমার আজকের এই ভিডিওটা শুধুমাত্র ইউটিউব কে এটা জানানোর জন্য যে আমাদের মতো কমজোরি কিন্তু খাটিয়েওয়ালা ইউটিউবার প্রচুর আছে, যাদের দিকে ইউটিউবের কোনো নজর নেই, শুধুমাত্র নজরটা দিলেই আমরা অনেকটা কৃতার্থ হয়ে যাব। তো এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব, আর ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার করতে ভুলো না, আর কমেন্টে অবশ্যই করে জানিও আমি এটা ঠিক করলাম কিনা। আর এই যে ইউটিউব, তোমাকে বলে দিচ্ছি যদি কথাটা না শুনেছো না ডাইরেক্ট করে দিবে দিও। এই বাইদা ওই ইউটিউব কি বাংলা বোঝে? কেস খেচে নেই।